नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूँ वेल्ले इल्ल पट्टाधारी 2 VIP 2 ललकार। दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। जितने एक्सपेक्टेशंस लेकर के मैं थिएटर में गया था उतना ही निराश होकर के मैं बाहर आया हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसका जो पहला पार्ट था वो इतना ज़्यादा ग्रेट था कि मेरे इसके सेकंड पार्ट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे। मैं सोच रहा था कि यार बहुत ही ग्रेट फिल्म होगी, जैसा कि पहले फिल्म देख करके हम उस फिल्म के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं उसी प्रकार से ये दूसरी फिल्म भी होगी। लेकिन यार बिल्कुल उल्टा उसके ये फिल्म है, कहीं पर भी इमोशनली हम इस फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और यार मैं धनुष सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन यार उनकी फिल्म को मैं आज खराब रिव्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सौंदर्या रजनीकांत जी ने। पहले फिल्म से दूसरी फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू, बजट, सेट, सब कुछ चीज़ें बहुत ही ह्यूज है, बड़ा है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन पहले फिल्म की जो सिंप्लिसिटी थी, जो इमोशंस थे, जो हर्ट था, वो सारी चीज़ें दूसरी फिल्म में ये नहीं ला पाए हैं डायरेक्टर, यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जब भी किसी फिल्म का सिक्वल बनाया जाता है तो जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई हम फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ा देंगे, बजट बढ़ा देंगे, और भी बढ़िया बढ़िया सेट्स हम ऑडियंस को दिखाएंगे। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि भाई ऑडियंस कभी भी सेट्स देखने के लिए या बड़ा प्रोडक्शन वैल्यू देखने के लिए थिएटर में नहीं जाती है। जो पहले फिल्म की सिंप्लिसिटी थी, जो उसमें इमोशंस थे, वो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है किसी फिल्म के साथ। लेकिन जब भी कोई सिक्वल बनाया जाता है तो फिल्म मेकर्स यहीं पर चूक करते हैं कि वो इमोशंस और फिल्म की सिंप्लिसिटी को ही खराब कर देते हैं। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी को धनुष सर ने खुद ने लिखा है। धनुष सर मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये स्टोरी कहीं पर भी हमें फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती है। पहले स्टोरी में जो माँ और बेटे का रिलेशनशिप था, उनके परिवार की जो एक प्रकार से माहौल दिखाया गया था, वो सारी चीज़ें हमें अपने साथ कनेक्ट करती है। उस हर एक कैरेक्टर में हम अपने आप को देखते हैं, हमें अपने घर का माहौल वहाँ पर लगता है। दूसरे फिल्म में भी उन्होंने कुछ हद तक ये सारी चीज़ें कॉपी करने की कोशिश की है। यहाँ पर धनुष और उनकी पत्नी अमला पॉल की एक प्रकार से कनेक्शन दिखाने की कोशिश की है, उनके झगड़े, उनका प्यार दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। कहीं पर भी वो चीज़ें ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाती है, और बार 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 रिपीटेडनेस होने की वजह से वो हमें इरिटेट करने लगती है कुछ देर के बाद। दोस्तों एक्टिंग की अगर हम बात करें तो सबने ही बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिंग की है। काजोल मैम की एक्टिंग भी बहुत ही ग्रेट है, धनुष सर भी अपनी जगह पर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक वीक स्क्रिप्ट की वजह से हम उन कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। दोस्तों इस पूरी 2 घंटे की फिल्म में सबसे ज़्यादा अगर हमें कोई परेशान करता है ना तो वो है इसका म्यूज़िक। मतलब पूरी 2 घंटे की फिल्म में 20-25 मिनट का केवल गाने ही है, केवल 1.5 घंटे की फिल्म है। और उस 1.5 घंटे की फिल्म में भी कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं, हमें बार बार लगता है कि यार इन सीन्स की कोई भी ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब कुल मिलाकर 2 घंटे की फिल्म को पूरा करने के लिए उन्होंने ढेर सारे गाने इसमें डाले हैं, लेकिन वो गाने ऐसे हैं कि कहीं पर भी हम उनको गुनगुना नहीं पाते हैं, कहीं पर भी वो म्यूज़िक हमें पसंद नहीं आता है। हालांकि जब मैंने इसकी पहली फिल्म देखी थी वेल्ले इल्ला पट्टाधारी, वो तमिल में मैंने शायद वो फिल्म देखी थी, लेकिन कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं तमिल में कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ और मैं इनको स्किप करूँ। मैं यूट्यूब मूवीज़ पर वो मूवी देखी, लेकिन एक भी सॉन्ग मैंने उस फिल्म का मिस नहीं किया था। पूरे के पूरे सॉन्ग मैंने देखे थे और वहाँ पर सच में वो हमें एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर यार सभी के सभी सॉन्ग्स हमें इरिटेट करते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की, वो भी केवल काजोल मैम और धनुष सर की एक्टिंग के लिए। बाकी तो स्टोरी, डायरेक्शन और म्यूजिक सब जगह पर ये फिल्म बहुत ही वीक है, ऐसा बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो ये फिल्म आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।